दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं टर्मेरिक ओरल ड्रॉप के बारे में, ये क्या काम में आता है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल के बच्चे को टर्मेरिक ओरल सस्पेंशन का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इस ड्रॉप का यूज करना चाहिए और जानेंगे इसके फ्लेवर के बारे में, ये कौन से फ्लेवर में आता है और जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है और जानेंगे इसके साथ ही साथ इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में ये आता है और जानेंगे इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश, मैं आपको टर्मेरिक ओरल ड्रॉप की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को एक सेकेंड को भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं टर्मेरिक ओरल ड्रॉप के बारे में, ये क्या काम में आता है। टर्मेरिक ओरल ड्रॉप डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है और ये कई अलग अलग दवा का प्रकार की दवा का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल खास तौर से फोर चिल्ड्रंस यूज, इसको सिर्फ बच्चे ही यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके ये क्या काम में आता है। ये आता है दोस्तों जैसे कि सर्दी होना, जुखाम होना, फ्लू खांसी आना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक का बंद होना, एलर्जी होना, सूजन होना, सर्दी के दौरान छींक आना, गले में खराशे पड़ना, गले में दर्द होना, सिर में भारीपन महसूस होना, सर्दी जुखाम खांसी होना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में टर्मेरिक ओरल ड्रॉप का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल के बच्चे को टर्मेरिक ओरल ड्रॉप का यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 5 मंथ से 12 मंथ तक के बच्चे को 5-5 ml सुबह शाम, 5-5 ml सुबह शाम दूध पीने के बाद दिन में 2 बार सुबह और शाम टर्मेरिक ओरल ड्रॉप का यूज करना चाहिए और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस टर्मेरिक ओरल ड्रॉप का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, दोस्तों इसका साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना या उल्टी होना, पेट में गैस बनना, जी मिचलाना। आपके बच्चे को ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपके को ये सूट नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके साल्ट के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन दोस्तों फेनिफेनरामाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg एंड क्लोरोफेनारामाइन मेल्टा 2 mg, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। और दोस्तों जान लेते हैं इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में ये आता है। ये आता है दोस्तों 15 ml, ये 15 ml की पैकिंग में ये आता है। और जान लेते हैं दोस्तों इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है। इसका MRP प्राइस है दोस्तों 89 रुपीज़ 59 पैसे, ये इसका MRP प्राइस है 89 रुपये 59 पैसे, ये इसका MRP प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। आप इसको टर्मेरिक ओरल सस्पेंशन के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेरे की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं मॉक्स 250 mg और 500 mg कैप्सूल के बारे में, ये क्या काम में आता है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और जानेंगे इसके पैकिंग के बारे में, ये
कितने कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है और जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है और जानेंगे साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में। इसका MRP प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश, मैं आपको मॉक्स 250 mg और 500 mg कैप्सूल की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को एक सेकंड को भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं मॉक्स 250 mg कैप्सूल, मॉक्स 500 mg कैप्सूल क्या काम में आता है। मॉक्स कैप्सूल डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से, और ये एक अलग अलग कई दवा का मिश्रण है, और ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से शरीर में बैक्टीरिया होने से रोकता है, गले में इन्फेक्शन होना, गले में खराशे पड़ना, गले में जख्म होना या खुजली लगना, कान से मैल आना, कान में फोड़ा निकल आना या कान में फुंसी निकल आना, कान में बैक्टीरिया होना, नेजल साइनस रेस्पिरेटरी टैक्स जैसे कि निमोनिया होना, मूत्र मार्ग इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब खुलकर ना आना, त्वचा पर खुजली होना, खाल का गल जाना, टिश्यूज के इन्फेक्शन होना, टाइफाइड बुखार होना और फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, सांस खुल के ना आना, हड्डी का टूट जाने के बाद मांसपेशियों में जख्म होना, दाढ़ या दांत में जख्म होना, मसूड़े का सूज जाना, दांतों में इन्फेक्शन होना, हाथों में इन्फेक्शन होना, हाथ की उंगली का सूज जाना या खुजली लगना, नाक बहना, खांसी आना, जुखाम होना, छींक आना, बलगम वाली खांसी आना, बलगम में खून आना, एलर्जी खांसी होना, नाक से पानी आना, कट जाना या फट जाना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में मॉक्स कैप्सूल का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इसका यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 500 mg कैप्सूल का 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ या पानी के अनुसार, ताजा पानी के अनुसार दिन में 2 बार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए। और दोस्तों जान लेते हैं 250 mg कैप्सूल के बारे में, ये कितने साल के व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद, सुबह और शाम दिन में 2 बार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस कैप्सूल का प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मेरा तो मानना यही है, जब तक लेडीज प्रेगनेंसी में है तब तक इस कैप्सूल का यूज करना नहीं चाहिए, और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए। और जान लेते हैं दोस्तों इसके, और दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं मॉक्स कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले हैं। जो भी आप कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों जैसे कि रैश पड़ जाना, उल्टी आना, एलर्जिक रिएक्शन होना, मितली आना, डायरिया बनना, दस्त लगना, आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है, तो आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। और दोस्तों जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके साल्ट के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों 500 mg कैप्सूल का एमोक्सिसाइक्लिन 500 mg ओरल और 250 mg कैप्सूल का एमोक्सिसाइक्लिन 250 mg कैप्सूल, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। और जान लेते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग के बारे में, ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। ये आता है दोस्तों 500 mg की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों 1:15 15 कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। और दोस्तों 500 mg के पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये आता है दोस्तों 300 कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। और जान लेते हैं दोस्तों 250 mg कैप्सूल की पैकिंग के बारे में, ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। ये आता है दोस्तों 1:15 कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। और दोस्तों पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये 300 कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है, 300 कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। और जान लेते हैं दोस्तों साथ ही साथ इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों मार्केट इन इंडिया बाय
इन इंडिया वाई सन फार्माट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, और जान लेते हैं साथ ही साथ इसके एमआरपी प्राइस के बारे में। इसका एमआरपी प्राइस क्या है? इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों, 500 एमजी कैप्सूल की बात की जाए तो दोस्तों इसका एमआरपी प्राइस है 120 रुपीज़ 4 पैसे, ये इसका एमआरपी प्राइस है। और दोस्तों 250 एमजी कैप्सूल की बात की जाए तो ये इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों 36 रुपीज़ 66 पैसे, ये इसका एमआरपी प्राइस। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। आप इसको मॉक्स 250 एमजी 500 एमजी कैप्सूल के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं ऑगमेंटन डियो CV-625 टैबलेट के बारे में। ये क्या काम में आती है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने इयर्स कितने साल के व्यक्ति को ऑगमेंटन डियो CV-625 टैबलेट का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इसका यूज करना चाहिए, और जानेंगे इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ये आती है, और जानेंगे इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है, और जानेंगे साथ ही साथ इसके एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश, मैं आपको ऑगमेंटन डियो CV-625 टैबलेट की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने, और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक करने, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं ऑगमेंटन CV-625 टैबलेट के बारे में। ये क्या काम में आती है? ऑगमेंटन CV-625 टैबलेट डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, और ये एक कई अलग अलग प्रकार का दवा का मिश्रण, और ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों में बैक्टीरिया होना, या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, सांस खुल के ना आना, सीने में से घर घर की आवाज आना, निमोनिया होना, कान में इन्फेक्शन होना, कान में फोड़ा निकल आना, या फिर कान में फुंसी निकल आना, कान से मैल आना, नेजल साइनस, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होना, पेशाब पीली आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, बवासीर होना, या मस्से निकल आना, या फिर खून आना, नाक में इन्फेक्शन होना, नाक से ब्लड आना, नाक से खून आना, नाक में फोड़ा निकल आना, या फिर नाक में फुंसी निकल आना, हड्डी टूट जाने के बाद मांसपेशियों में चोट लगना, या फिर मांसपेशियों में पस पड़ जाना, कट जाना या फट जाना, दांत उखड़ जाने के बाद जख्म होना, पेट में इन्फेक्शन होना, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया होना, नाखून का निकल जाना, किसी भी प्रकार का नाखून में चोट लगना, नाखून का गल जाना, या फिर नाखून में मैल पड़ जाना, सर्दी होना, जुखाम होना, या फिर बलगम आना, बलगम में ब्लड आना, खांसी में खून आना, नाक बहना, ऑपरेशन के दौरान जख्म होना, सर्जरी के बाद जख्म होना, डिलीवरी के दौरान जख्म होना, आँख का ऑपरेशन होना, सिर में किसी भी प्रकार की चोट लगना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में ऑगमेंटन डियो CV-625 टैबलेट का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और दिन में कितनी बार इसका यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक टैबलेट सुबह और शाम खाने के बाद दूध के साथ या पानी के अनुसार दिन में दो बार इस दवा का यूज करना चाहिए, और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस दवा का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में इसका यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों
मेरा कहना तो यही है कि नहीं, इस दवा का जब तक लेडीज प्रेगनेंसी में है तब तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस दवा का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं अगुमेंटन ड्यू 625 एमजी टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इसका साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों? आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों जैसे कि उल्टी होना, उल्टी आना, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना या डायरिया बनना, चक्कर आना, जी मिचलाना। आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रही है, आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। और दोस्तों जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके साल्ट के बारे में। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों एमोक्सिसाइक्लिन 500 एमजी 500 एमजी, पोटेशियम क्लोरिनोवा एसिड क्लोरिनोवा 125 एमजी 125 एमजी, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है, ये इसका साल्ट है। और दोस्तों जान लेते हैं इसकी पैकिंग के बारे में, इसकी पैकिंग के बारे में। ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ही आती है? ये आती है दोस्तों 1:10 की बात की जाए तो दोस्तों ये आती है 1:10 10 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। और दोस्तों पूरे बॉक्स की बात की जाए तो दोस्तों आती है ये 6:10 ये 60 टैबलेट 60 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। और दोस्तों जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है? इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्माट्रिकल्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और दोस्तों जान लेते हैं साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में। इसका MRP प्राइस क्या है? इसका MRP प्राइस है दोस्तों 227 रुपीस 68 रुपीस 227 रुपये 68 पैसे, ये इसका MRP प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। आप इसको अगुमेंटन ड्यू और अगुमेंटन ड्यू CV 625 की टैबलेट के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल के बारे में, ये क्या काम में आता है और जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इसका यूज करना चाहिए, और जानेंगे इसके पैकिंग के बारे में, ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ही आती है, और जानेंगे इसके कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है, और जानेंगे साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश, मैं आपको कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को एक सेकंड को भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल के बारे में, ये क्या काम में आता है। कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है और ये कई अलग अलग दवा का प्रकार के दवा का मिश्रण है। कैल्डिकाइंड प्लस, आप इसको कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल के नाम से आप इसको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं ये क्या काम में आता है। ये आता है दोस्तों इसका इस्तेमाल खास तौर से जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी थ्री की कमी होना, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होना, हाथ या पैरों में दर्द होना या किसी भी जोड़ में दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना, पूरे पैर का सुन्नपन हो जाना, पैर में खुजली होना, हाथों का सुन्न पड़ जाना, हाथ में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, फोलिक एसिड की कमी होना, या फिर खून की कमी होना, भूख ना लगना, किसी भी प्रकार का कमर में दर्द होना, हड्डी का बढ़ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, नस में दर्द होना, हड्डी का टूट जाना या कैल्शियम की कमी होना, कूल्हे का उतर जाना,
बोन्स फ्रैक्चर्स, हड्डी का टूट जाना, कमजोरी महसूस होना, घुटने में दर्द होना। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इसका यूज करना चाहिए। दोस्तों 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद दिन में दो बार सुबह और शाम दूध के साथ या पानी के अनुसार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए, और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल के बारे, कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में, इसका साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों जैसे कि सिर में दर्द होना, पेट में गैस बनाना या फिर पेट में दर्द होना या पेट का फूल जाना, सीने में जलन होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का सूख जाना, थकान महसूस होना, भारीपन, एलर्जी होना, प्यास लगना, नींद आना या दस्त लगना, कब्ज बनना, स्किन रैश पड़ जाना। आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है, आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। हम दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल का कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों कैल्सिट्रॉल कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg, कैल्सिट्रॉल 0.25 mg, मिथाइल को मेकोवालामिन, ओमेगा 3 एसिड, इथाइल एस्टर्स, प्रोवाइडेन दो को साइसाइनिक 90 mg एंड बोरान फोलिक एसिड 60 mg, फोलिक एसिड 400 mg, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं कैल्डिकाइन कैप्सूल के कितने पैकिंग में ये आता है। दोस्तों 1:10 की बात की जाए तो दोस्तों ये आता है 1:10, 10 कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। और दोस्तों पूरे बॉक्स की बात की जाए तो दोस्तों ये आता है 6:10, 60 कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। और दोस्तों जान लेते हैं इसकी कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं दोस्तों साथ ही साथ इसके MRP प्राइस के बारे में, इसका MRP प्राइस क्या है। इसका MRP प्राइस है दोस्तों 137 rupees 69 paise, 137 rupees 69 paise, ये इसका MRP प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। आप इसको कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।